In this video, we are going to discuss the unit test of YPS Mohali, which was held on 28 July. So let's begin. The first question is, the ratio between 52 grams and 26 kilograms is, and the given options are 1:5000, 1:500, 2:100, 5:200. तो अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इन दो क्वांटिटीज की रेशियो देखनी है. दैट इज द गिवन क्वांटिटीज आर 52 ग्राम एंड 26 किलोग्राम. हाँ जी, तो सबसे पहली बात, वी ऑल नो रेशियो हमेशा लाइक क्वांटिटीज में होती है. अब अगर आप इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करो, भाई ये क्या है 52 ग्राम और ये क्या है 26 किलोग्राम, इन दोनों के यूनिट सेम नहीं है. तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों के यूनिट सेम बनाने हैं. सो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं से ग्राम्स में. वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स. सो 26 किलोग्राम is equal to how many grams? 26,000. Right? So, 52 grams is to 26,000 grams. तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी रेशियो क्या है. हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52 by 26,000. अब रेशियो होती है लोएस्ट फॉर्म में, तो अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. देखो हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 26. इसको 26 से डिवाइड किया वी गेट 1000, इसको 26 से डिवाइड किया वी गेट 2. क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? नहीं, अभी भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2. इसको 2 से डिवाइड किया वी गेट 1, इसको 2 से डिवाइड किया वी गेट 500. सो दिस इज इक्वल टू 1/500 and the ratio is 1:500. So the correct option is 1:500. The next question is, the value of S for which 4x and 49 are in continuous proportion is, the given options are 7, 5, 14, 30. अब यहां पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x सच दैट द गिवन क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. गिवन क्वांटिटीज क्या है, 4x एंड 49. अब ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की रेशियो इक्वल है इन दोनों की रेशियो के. मीन्स 4:x इज एज x is to 49. तो अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x. तो कैसे फाइंड करें, सी दीज क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. राइट, सो x इंटू s इज इक्वल टू 4:49. तो यहां से x इंटू x किसके इक्वल आएगा, 196. अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x. देखो यहां भी x है और यहां भी x है, तो वैल्यू ऑफ x कैसे सोचें? इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो प्रोडक्ट क्या है, 196. अब हमें यहां पे ये ऑप्शन गिवन है, सी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट क्या आया, 49. सो दिस इज नॉट द आंसर. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट
this, the given quantities are in continued proportion. Continued proportion का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की रेशो इक्वल है इन दोनों की रेशो के. Means 18 is to x is as x is to 15. तो अब हमें तो चाहिए value of x. कैसे find करें? Since these quantities are in proportion, therefore product of means is equal to product of extremes. So x into x is equal to 18 into 15. So x into x is equal to, भाई इनका product क्या हुआ? 18 into 5, 90. 90 into 10, 900. अब हमें चाहिए x की value. भाई x की value क्या होगी? यहाँ पर x से x multiply हुआ, तब product आया 900. Means हमें एक ऐसा number सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, then the product is 900. Let's see the given options. तो first option है 900. तो ये तो answer हो ही नहीं सकता. Next option is 400. 400 को 400 से मल्टीप्लाई किया, क्या product 900 आएगा? कभी नहीं. Then next option is 30. 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया, then we get 900. Therefore, x is equal to 30. And the correct option is this. Sana and Jiti are sisters. If Sana is 18 years old and sum of their ages is 38, then the ratio between the ages of Sana to Jiti is, and the given options are 18 is to 38, 9 is to 10, 10 is to 9, 18 is to 10. So, इस question में हमें क्या find करना है? Ratio of the ages of Sana and Jiti. तो उसके लिए दोनों की age पता होनी चाहिए. हाँ जी. अब देखो question में हमें given क्या है? Sana की age हमें given है, it is 18 years. और क्या गिवन है? Sum of their ages is 38. भाई दोनों की एज का सम है 38. तो क्या इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा? भाई इसके लिए अभी भी हमें क्या चाहिए? ऋषि की एज. देखो दोनों की एज का सम है 38 और उसमें से सना की एज हमें पता है 18. तो धृति की एज कितनी हुई? कितने होते हैं? 21.
So their ratio is 5:21. So इसका आंसर हुआ E. Right? Then, so what value of x? These quantities are in proportion. So given quantities क्या है? 9, x, 12, 8. अब ये quantities हैं proportion में. Means इन दोनों की रेशो इक्वल है इन दोनों की रेशो के. अब हमें फाइंड करना है x. उसके लिए क्या? सिंस दीज क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो x इंटू 12 इज इक्वल टू 9 इंटू 8. अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये 12 नहीं चाहिए, तो 12 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. So x remains here, this is equal to 9 into 8. Now see, 12 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड. तो अब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देते हैं. हाँ जी, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3. इसको 3 से डिवाइड किया, वी गेट 3. इसको 3 से डिवाइड किया, वी गेट 4. अभी भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है. कौन सा कॉमन फैक्टर है? 4. भाई इसको 4 से डिवाइड किया, वी गेट 1. इसको 4 से डिवाइड किया, वी गेट 2. सो नाउ 3 into 2 is 6. तो x की वैल्यू क्या हुई? 6. फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज 6. नाउ द नेक्स्ट वन, द रेशियो 56:49 इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी है. द गिवन रेशियो इज 56:49. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7. इसको 7 से डिवाइड किया, वी गेट 8. इसको 7 से डिवाइड किया, वी गेट 7. सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज 8:7. सो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हुआ? 8:7. Now, the next question is, the sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. If the perimeter of the triangle is 27 cm, then the length of largest side is 12 cm. And the given options are true or false. So, हमें ये चेक करना है, whether the given statement is true or false. अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड. सो लेट्स फाइंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. कैसे फाइंड करें? लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. साइड की रेशियो गिवन है 2:3:4. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक साइड है 2x, तो दूसरी कितनी होगी? 3x. और तीसरी कितनी होगी? 4x. अब ये बताओ, इनमें से लार्जेस्ट कौन सी होगी? 4x. अगर ये x मिल जाए, वी विल गेट लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड. अब x कैसे फाइंड करें? उसके लिए क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है. इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर. भाई हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर भी गिवन है. कितना है? 27 सेंटीमीटर. तो अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स. सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं. एक साइड है 2x, एक है 3x और एक है 4x. अब हमें गिवन है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब इसमें बाउंड्री कहां पे है? ये सारी लेंथ प्लस ये सारी लेंथ प्लस ये सारी लेंथ. मीन 2x प्लस 3x प्लस 4x
27. We want to find the value of x. तो x को यहीं पे रखेंगे, 9 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। भाई 9 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। So 27 divided by 9. 9 बंद 9, 9 की इधर 27. So x की वैल्यू हमें मिल गई 3. हमें क्या फाइंड करना था? लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड, वो कितनी है? 4x. So 4x is equal to what? 4 into 3, that is 12 cm. और स्टेटमेंट क्या करिए? इट इज 12 सेंटीमीटर। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 20,000 रुपीज एंड हिज सेविंग इज 5,000 रुपीज, देन द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सैलरी इज 1:2 एंड द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू फॉल्स। मी हमें चेक करना है वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट में किस चीज की बात हुई है? रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू सैलरी एंड इट इज गिवन। स्टेटमेंट कहते हैं कि ये रेशियो है 1:2। तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये रेशियो है कितनी। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो एक्सपेंडिचर एंड सैलरी। अब देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 20,000 रुपीज। सैलरी तो हमें गिवन है, सैलरी इज 20,000 रुपीज। और क्या गिवन है? एंड हिज सेविंग इज 5,000 रुपीज। और गिवन है सेविंग कितनी है? 5,000 रुपीज। अब देखो सैलरी तो हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए? और एक्सपेंडिचर। देखो मंथली सैलरी है 20,000 और उसमें से उसने सेविंग की 5,000, तो इट मींस उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 20,000 माइनस 5,000 एंड दैट इज 15,000 रुपीज, राइट। तो अब हमें देखनी है इनकी रेशो, किसकी रेशो? एक्सपेंडिचर टू सैलरी। तो पहले किसकी वैल्यू रखेंगे? एक्सपेंडिचर की, दैट इज 15,000 इज टू सैलरी, दैट इज 20,000। राइट, तो ये इनकी रेशो है। अब रेशो होती है लोएस्ट फॉर्म में। अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट 3:4, राइट। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सैलरी और स्टेटमेंट क्या कह रही है? दिस रेशियो इज 1:2, इट मींस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन इज, इफ द वेट ऑफ 10 बुक्स इज 5 kg, देन वेट ऑफ 4 बुक्स इज 2 kg एंड द ऑप्शंस आर ट्रू फॉल्स। सो अब हमें देखना है whether the given statement is true or false। यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? Weight of 4 books। So let's see, weight of 4 books है कितना? देख क्वेश्चन में गिवन क्या है? Weight of 10 books is 5 kg। 10 books का वेट कितना है? 5 kg। और हम किसके लिए चेक करना चाहते हैं? 4 books का वेट। देखो अगर हम ये देख लें कि एक बुक का वेट कितना है, तो वहां से हम 4 का वेट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड वेट ऑफ 1 बुक। 10 बुक्स का वेट है 5 kg, तो 1 बुक का जो वेट है वो इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? सो वी विल डिवाइड 5 बाय, वी डिवाइड किससे करना है? 10 से। सो 5 × 5 = 10, सो 1/2 kg। अब हमें पता है वेट ऑफ 1 बुक इज 1/2 kg, देन वेट ऑफ 4 बुक्स कितना होगा? 4 बुक्स का वेट 1 से तो ज्यादा ही होगा, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। सो नाउ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, सो द वेट इज 2 kg। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है? वेट ऑफ 4 बुक्स इज 2 kg, इट मींस द गिवन स्टेटमेंट इज true।
Now the next question is, out of 288 persons in a company, 112 are men and the remaining are women. Then find the ratio of, the first part is the number of men to that of women. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन. अब इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. हां जी, आउट ऑफ 288 पर्सन मींस टोटल पर्सन कितने हैं 288. Now the next part is, find the ratio of the number of women to the total number of persons. अब हमें देखनी है women to total persons की ratio. Number of women is to total persons. हाँ जी, women कितनी है? Sorry, women कितनी है? 176 is to टोटल पर्सन कितने हैं 288. अब इसको आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट 11:18. इज इट क्लियर? इट इज अ राइट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज इफ 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 8 workers to build a similar wall. मैं गिवन क्या है भाई, जब 24 workers एक wall को बना रहे हैं कितना टाइम लग रहा है 15 days. तो अब हमें ये देखना है कि जब 8 workers similar wall बनाएंगे how much time will they take. अगर हम किसी तरह से ये find करते हैं कि अगर एक worker उस similar wall को बनाए तो उसे कितना टाइम लगेगा, देन वी कैन इजीली फाइंड फॉर 8 वर्कर्स. सो लेट्स फाइंड फॉर 1. गिवन क्या है, 24 वर्कर्स को टाइम लगता है 15 डेज. सो टाइम टेकन बाय 24 वर्कर्स
We want to find the time taken by one person. So, time taken by one worker to build similar wall is. देखो जब 24 वर्कर्स हैं तब वॉल को बनाने में लग रहे हैं 15 डेज. वैसे ही वॉल अगर एक पर्सन बनाएगा उसको कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा. सो यहां पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 24 से. तो अब हमने देख लिया कि एक वर्कर को कितना टाइम लगेगा एंड वी वॉन्ट टू फाइंड फॉर एट वर्कर्स. सो टाइम टेकन बाय एट वर्कर्स टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल इज. देखो जब एक वर्कर अकेला वॉल को बना रहा है उसको इतने दिन लगते हैं. उसकी जगह पे अगर एट वर्कर्स काम करेंगे तो वो वॉल जल्दी बनेगी कि लेट बनेगी? जल्दी बन जाएगी. मीन्स जब एट वर्कर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड. सो 15 × 24 को हमने डिवाइड किया. किससे डिवाइड करना है? 8 से. नाउ सिंपलीफाई दिस. 8 × 8, 8 × 24. नाउ 15 × 3, 45. सो आंसर इज 45 डेज. इज इट क्लियर? आई होप यू लाइक द वीडियो. If you want to share it with your friends and family, you are free to do that.